भाई ये त्योहार आ गया है। त्योहार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल फैंस के लिए मार्वल की मूवी किसी त्योहार से कम नहीं है, और इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे, बाकी मूवीज की तरह इसकी हीरो के लिए नहीं विलन के लिए। क्योंकि देखो थॉर में थॉर था, डॉक्टर स्ट्रेंज में लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने गए थे, एंटमैन में लोग कैंग को देखने गए थे। तो मजाक से हटके रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, एंड दूसरी बात मुझे पता है कि मार्वल फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस रिव्यू से, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मूवी गंदी है फिर भी वो देखने जाने वाले, बस फर्क इतना है कि मुझे कॉमेंट में गाली देके। तो प्रोज और कॉन्स में बढ़ने से पहले ब्रीफली स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो भाइयों, मूवी की कहानी भी वही से कनेक्टेड है जहाँ पे पिछली बार मूवी को छोड़ा गया था, मतलब कि क्वांटम वर्ल्ड के ऊपर, कि क्वांटम वर्ल्ड कैसा है, अगर वहाँ पे फंसते हैं तो निकलना कैसे है, एंड जो एंड मैन की सासू माँ है वो वहां से वापस आई तो उनका कैंग के साथ क्या रिलेशन था, एंड कैंग को ये मूवी आगे कैसे सेटअप करती है, कहानी इसी के अराउंड है। एंटमैन की जो डॉटर है वो गलती से क्वांटम वर्ल्ड का रास्ता खोल देती है, एंड कैंग को सिग्नल चले जाते हैं, एंड कैंग को सिग्नल चले जाते हैं, एंड वो लोग भी क्वांटम वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो पूरी कहानी इसी के अराउंड है कि वो बाहर निकलते कैसे हैं, कैंग को कैसे हराते हैं, या फिर हरा भी पाते हैं या नहीं। मूवी की अगर प्रोस की बात करूं तो मूवी काफी ज्यादा सीरियस है, अपनी प्लॉट को सीरियस लेती है एंड हमें वो सीरियसनेस दिखती है, एंड उसी के साथ साथ ही मूवी कॉमेडी भी है जिससे कि मूवी अच्छी खासी इंगेजिंग बनी रहती है, एंड फर्स्ट हाफ तो मैंने काफी ज्यादा इंजॉय किया। बस मुझे एक चीज गलत लगती है कि फॉरेन की मूवीज में इंटरवल होता नहीं है, और हमारे इधर तो इंटरवल देने का रिवाज है, तो लोग चलती सीन में से ही मूवी को पॉज कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ पॉपकॉर्न खा के आओ, ये कोई बात हुई। अगर इस मूवी के डायलॉग की बात करूं तो डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, हिंदी डबिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी, कई कई पे थोड़े बहुत रेफरेंसेस थे पर ठीक है उतना चलता है। ओवरऑल अगर देखोगे तो हिंदी डबिंग काफी अच्छी है। और अगर तीसरे प्रो की बात करूं तो मूवी की सेट्स काफी बड़े हैं, काफी ह्यूज लगते हैं, एंड देखने में काफी बड़े मूवी की फील आती है, जो कि है भी बड़ी मूवी। मूवी के VFX तो भाई काफी अच्छे हैं, हालांकि अभी मार्वल के ऊपर थोड़े बहुत VFX के इशू चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी उतनी तगड़ी क्वालिटी नहीं मिल रही है, पर पर्सनली मुझे मूवी के VFX काफी अच्छे लगे। हाँ कई कई पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं भाई थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, पर भाई एक्सपेक्टेशन कहाँ ही कंप्लीट होती है, और वैसे भी इंसान को जितना मिलता है हमें कम ही लगता है। एंड अगर सीरियसली कहूँ ना, कहीं कहीं छोड़ दोगे तो मूवी के VFX काफी अच्छे हैं, CGI VFX जो भी कह लो, क्योंकि स्कॉट के जो डुप्लीकेट्स बनाए गए हैं वो काफी अच्छे से दिखाए हैं। बस मुझे एक दिक्कत लगी कि भाई उन्होंने चिट्टी द रोबोट की कॉपी कर ली है और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। एंड अगर सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ तो अच्छा है ही, फर्स्ट हाफ जैसे ही काफी इंगेजिंग है, थोड़े बहुत हमारे अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी फुलफिल किया जाता है, एंड जो आखिरी की फाइट सीक्वेंस है वो भी काफी अच्छी है, ग्रैंड लगती है, सेट भी विजुअली काफी ज्यादा अपीलिंग है, देखने में मजा आता है। पर जो थोड़ी सी दिक्कत लगी उसकी बात हम करते हैं अभी कॉन्स में। और एक चीज रह गई है कि मूवी में बहुत अच्छे से क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है, एंड हमें पता चल जाता है कि भाई कहेंगे हमारा अगला थैनोस है, वो तो वैसे पहले भी पता था पर और अच्छे से पता चल जाता। तो अभी आते हैं कॉन के ऊपर। सबसे पहला है कि भाई मैडॉक कीमोडैक, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसको मूवी में टोटल वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं जब स्पाइडरमैन देखा करता था डिज्नी प्लस पे, वो भाई एक अच्छा खासा विलन था, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, उसको अच्छे से यूज करना चाहिए था। एंड सेकंड चीज, कैंग को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया है, हमें वो फील भी होता है कि भाई वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है मूवी के एंडिंग तक, क्योंकि जब एंटमैन से उसकी फाइटिंग होती है तो हाँ एंटमैन उसको बहुत इजीली हरा तो नहीं देता पर फिर भी वो हार जाता है, एंड वो विलन वाली वाइब नहीं आती, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कैंग स्कॉट को मिलता है तो उसको ऐसे मारता है, ऐसे समझ रहे हो ऐसे, पर आखिर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मे बी स्पॉइलर अलर्ट, थोड़ा सा मैं चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर टेक्निकल टर्म्स पे जाओगे तो उस सॉरी भाई लोग लाइट चली गई थी, तो कहा था कि हाँ अगर टेक्निकल टर्म्स पे देखोगे तो हाँ उसकी जो पावर हब है जहां से उसको एनर्जी मिलती है वो बंद हो गया था, या फिर जो भी चीजें है टेक्निकल, पर फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं आता कि ओ भाई तू सबको हराएगा तो थैनोस है, ठीक है। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में बताऊंगा कि भाई बहुत अच्छे थे दोनों भी, कैंग के ऊपर थे, एक मिड पोस्ट क्रेडिट सीन था, एक एकदम एंडिंग में था, और दोनों भी कैंग के ऊपर थे और काफी अच्छे थे, जो कि फ्यूचर की मूवी को सेटअप करते हैं, एंड बता देते हैं कि भाई कैंग अभी रुका नहीं है। देखो मेरे हिसाब से एक अच्छा विलन ना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसको बहुत ज्यादा ताकतवर दिखा दिए जिसको कोई मार नहीं सकता, वो नहीं होता। हमें थैनोस पसंद है क्योंकि उसका कुछ ओपिनियन था, खुद से लॉयल था, और उसके कुछ स्टैंड पॉइंट थे, उसके भी कुछ वीकनेस थे,
जिस वजह से हमें वो पसंद है। बहुत को शायद से वो हीरो भी लगे और बहुत को शायद से वो विलन भी लगे, डिपेंड करता है। क्योंकि भाई इस मूवी में भी एक डायलॉग काफी अच्छा है, किसी के लिए मैं शायद से क्रांतिकारी हूँ और किसी के लिए आतंकवादी। तो भाइयों इसी नोट के ऊपर इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि क्या आप ये मूवी देखने जाने वाले हो आज या कल, क्योंकि मूवी देखने तो आप लोग जाने ही वाले हो। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया। एंड लास्टली थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए।